जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, असि अज मौजूद आयो हैदराबाद में हैदराबाद की जड़ी खास मखसूस जगह से जो समझा तो सिंध वासी तमाम घट डिठी होंगी जै डिठी होंगी तो वो इन गाल के बेहतर समझ भी तो असि तारीख जहाँ केतरा वा असासा है। दोस्तों असि मौजूद आयो चालपुर हवेली हैदराबाद में, अचो तो दीदार करा इन हवेली जो। डोली है जैमें जैसे भी इन अमीर खानदान की रॉयल फैमिली की शादी थी हुई शादी में इन डोली में उन कुंवर के विहारे घर से खड़ी अचबो बारात की सूरत में। दोस्तों कदीमी गाड़ी भी बीठी है उन दौर की, मुझे ख्याल में रॉयल सैलून है रॉयल सैलून उन दौर की कामयाब गाड़ी है। नवेल के बिल्कुल सामू मस्जिद भी तामीर कई वही है। जी दोस्तों तो ऐसी सको था बिल्कुल तो इन हवेली में केतरा तो दरवाजा लगल है, छत भी सजी काठ जी है, प्योर काठ जो कम थल है, दरिन में भी दरवाजन में भी मथे छत में भी प्योर एकड़ी काठ उन वक्त जी यूज थल है, जो अजोके दौर में तमाम महंगी काठ तस्वुर थे थी। इन हवेली में सजो कम उन काठ जो थल है। दोस्तों यकीनन ये हवेली तमाम घनी हाइटेड हवेली है, इन जी हाइट जो शाहकार तुम ऐसी सो इन सामू यो बागीचो तुम ऐसी सो जैमें वण ग्रीनरी इतने मौजूद है। अचो तो ताकि मजीद हेठा इन हवेली के दिखारूँ। हवेली से असो प्यारो दोस्त मीर असफन टालपुर वी आया है। यकीनन मीर असफन टालपुर भी इन हवेली से वाबस्तगी रखे तो मीर असफन जो भी तारीखी इन हवेली से वास्तो है प्यार है। दोस्तों ये रियासती हवेली ये तारीखी हवेली असि सिंध की तारीख है। असि सिंध में तमाम घड़ी हुकूमतों थी गुजरी असन दोस्त के चौदह हवेली जो नजारो गोल कराए तक बुधाई तो गल दोस्त तो मीरन की चालपुरन की फैमिली की 400 साल सिंध से हुकूमत रही है। 400 साल की तारीख में ये हवेली इन शह की गवाही थी दे रियासत जो वकार बुलंदी हुई इन रियासत में वा वा फैसला थींदा हुआ। ही वह जगह है जिथे रॉयल फैमिली की रहाइश होंगी, जिते इन फैमिलीज रही हुई, इतने मीरन जहा वा वा फैसला थींदा हुआ, मीरन की तारीख रकम थी हुई इन हवेली में। सरकार ही असाजे वडन जी कदीमी हवेली है तालपुर पैलेस हैदराबाद कंडो में नूर मोहम्मद लतीफाबाद 4 नंबर में। कें जी हवेली है? सरकार ही मीर फतेह अली खान टालपुर जो वो माशाल्लाह बादशाह हो। अच्छा जी हाँ, मीर करम अली खान टालपुर बादशाह असाजे जो टालपुर टॉम्स है बया वडा होते हैं बादशाह जी के वडा रखे लन टालपुर टॉम्स हीराबाद लतीफाबाद हैदराबाद। दोस्तों ही जेके इनन जा बादशाह होया इनन हवेलीन जा जेके ऑनर्स होया उन्हें जो कब्रू भी मौजूद हैं वह भी एक हिस्टोरिकल तारीखी कब्रस्तान है जैसे असर टालपुर टॉम्स के नाले से सुना वो है। कुछ दिन में तक उन्होंने भी विजिट कराइंदी टालपुर टॉम्स यकीनी एक तारीखी कब्रस्तान है जिते वा वा बादशाह दफन थे वा वा रियासत हालईंदड़ हुकुमरान दफन थे ताकि उनकी भी असर जरूर दीदार कराइंदी। अचो तो हवेली लॉन घुमाय। सो दोस्तों ही है इन हवेली जो खूबसूरत लॉन जिन के विच में तमाम प्यारा वण लगल इन दरमियान में एक रस्तो ठहल है
जो तमाम घो खूबसूरत है ऐसी चाहो था इन हवेली की ग्रीनरी नज़ारो है इन लॉन जो दिलकश लॉन जो लॉन का असि ही डायरेक्टली बाहर वेंदी तो इन खूबसूरत हवेली जो मंजर असें लॉन का निकरती बिल्कुल नज़र अचे तो बिल्कुल एक जी फिल्म में असा डिसंदे हवेलियन के यह हकीकी हवेली है असि सिंध में असि हैदराबाद में तक दिखारियां पो असि सिंध की तमाम वही तारीख है हिस्टोरिकल प्लेसिस असि सिंध जो जैसे एक्सप्लोर करो फर्ज समझा तो तह तीन पहुँचा भी फर्ज समझा तो ऐसो इन हवेली शाहकार के इन आर्किटेक्ट के दोस्तों हि मस्जिद भी उन ही दौर की तमीर है जै दौर में यह हवेली तमीर थी हुई इन मस्जिद की भी यकीनी तमीर आर्किटेक्ट उन ही दौर जो है जी। तो दोस्तों इन हवेली घुमण को हाँ इंसान जाहिर है थकजी पवे थकजन नेसेसरी है तो वो आराम करे हाँ असो भी वक्त आराम करण इंशाला तुम वही मिली अड़े ही किस्म की कें हिस्टोरिकल कें सकाफती कें तारीखी शो असो दौन में याद रखो।